एंड वेलकम बैक टू द बी आर स्टॉपर। सो बी ए सिक्स सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी की जो पोएम नंबर 5 है सी ऑफ द शाइन, इसकी एक्सप्लेनेशन एंड समरी हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इस वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्स। बैट्समैन जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर्स को कैसे एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि हर एक बॉलर का जो एक स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। कोई स्पिनर होता है, कोई फास्ट बॉलर होता है, कोई राइजिंग बॉल्स देता है, तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट बॉलर्स होते हैं जिसमें बैट्समैन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया बैट्समैन ने डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्स के साथ में, वो आपको बताना है इस पोएम में जो मैंशन है। देखो, फर्स्टली द राइटर इज स्केयर्ड बाय फास्ट बॉलिंग बिकॉज फास्ट बॉलर बाउंसर्स बीमर्स एंड सीमर्स विच ऑफन हिट द हेड और रिब्स ऑफ द बैट्समैन। इसमें क्या है कि राइटर सबसे पहले तो ये बताता है कि जो नरेटर है या जो बैट्समैन है वो फास्ट बॉलिंग से पहले तो डर जाता है, बिकॉज फास्ट बॉलिंग से क्या होता है, जितने भी बाउंसर बीमर या सीमर्स फास्ट बॉलिंग जो करते हैं वो उसको हेड या उसकी एल्बोज पे या रिब्स पे कई बार ना हिट करती है, तो इससे बैट्समैन को चोट बहुत ज़्यादा लग जाती है। सच बॉलर्स आर हैप्पी व्हेन द बॉल इज न्यू एंड हैज नॉट लॉस्ट इट्स शाइन। तो इस तरह के बॉलर्स तब और भी ज़्यादा खुश होते हैं जब बॉल बिल्कुल न्यू होती है, क्योंकि वो ज़ोर से लगती है। फील्डर्स इन द स्लिप्स और द सिली मिड ऑफ स्केयर द बैट्समैन बाय बीइंग रेदर क्लोज। और फील्डर्स जो होते हैं वो बैट्समैन के ना बिल्कुल पास में आके खड़े हो जाते हैं वल्चर्स की तरह, बिल्कुल पाउंस अपॉन करने के लिए कि जैसे ही बॉल आए हम बैट पे हिट करने से पहले उसको कैच कर लें, तो ये उसको और ज़्यादा डराते हैं। ही फाइंड्स फास्ट बॉलिंग अ रियल थ्रेट बिकॉज ही हैज़ ऑफन बीन हिट ऑन द रिस्ट और द एल्बो। तो फास्ट बॉलिंग उसको ज़्यादा थ्रेटनिंग लगती है बिकॉज वो उसके रिस्ट या एल्बो पे कई बार हिट करती है जिससे उसको चोट लग जाती है। ही थिंक्स दैट प्लेइंग स्पिन इज ईजियर। तो वो क्या सोचता है कि स्पिनर्स के साथ खेलना ज़्यादा ईजी है। बट वेन ही हिट अ बॉल इट बलून्स एंड इट्स कॉट, दैट मेक्स हिम फील दैट फास्ट बॉलर्स वर नॉट सो बैड। तो जब स्पिनर्स की बारी आती है तो वो क्या करते हैं कि लूज बॉल में वो सोच रहा था कि लूज बॉल को मैं ज़्यादा अच्छे से हिट कर पाऊंगा और 4 और 6 लगाऊंगा, या तो मेरा 4 लगेगा या 6 लगेगा, बिकॉज मैं उसको अच्छे से फिर हिट कर पाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि बलून करने में ही वो सिर्फ सक्सीड हो पाता है, मतलब वो बॉल को हवा में उछाल तो देता है लेकिन क्योंकि फील्डर उसको कैच कर लेता है तो वो वहाँ पे कैच आउट हो जाता है। इस टाइम पे वो ये सोचता है कि फास्ट बॉलर्स भी ज़्यादा बुरे नहीं होते, बिकॉज फास्ट बॉलर्स में वो किसी तरह से टिका हुआ था लेकिन स्पिनर्स के आते ही वो आउट हो गया। जबकि पहले वो क्या सोच रहा था कि फास्ट बॉलिंग हिट भी करती है, चोट लग जाती है, और वो कंफ्यूज था बहुत ज़्यादा, फास्ट बॉलिंग को फेस नहीं कर पा रहा था, तो वो सोच रहा था कि स्पिनर्स आ जाए जल्दी से तो उनकी लूज बॉल्स में मैं आराम से खेल लूँगा। लेकिन हुआ इसका उल्ट था, स्पिनर्स के आते ही वो आउट हो गया था। ठीक है, तो ये उसका छोटा सा एक एक्सपीरियंस था बैट्समैन का स्पिनर्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉलर्स के साथ में, कि फास्ट बॉलर्स आते हैं पहले तो और उससे उनको डर लगता है, और फिर स्पिनर्स का वो वेट कर रहा था लेकिन स्पिनर्स के आते ही आउट हो जाता है। तो वो ये सब एक्सपीरियंस करता है कि फास्ट बॉलर ही इससे बेटर थे। देन सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डजंट द स्पीकर विश टू फेस स्पिनर्स। अब स्पीकर जो है स्पिनर्स को फेस क्यों नहीं करना चाहता। द स्पीकर डज नॉट वॉन्ट टू फेस स्पिनर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज अप टू देयर वाइज एंड ट्रिक्स। क्योंकि स्पिनर्स जो होते हैं ना वो हमेशा ट्रिकी होते हैं, वो ट्रिक्स के साथ बॉल को थ्रो करते हैं। अब बैट्समैन वेट्स फॉर अ लूज बॉल एंड थिंक्स दैट ही कैन हिट इट फॉर अ 4 और 6, बट वॉट हैपन्स रियली शॉक्स हिम। जो बैट्समैन है वो सोचता है कि स्पिनर्स जो है वो लूज बॉल देंगे तो मेरा या तो 4 लगेगा या 6 लगेगा, बट होता क्या है वो बहुत ही शॉकिंग होता है। एंड व्हेन ही हिट्स सच अ बॉल द बॉल बलून्स इन द स्काई एंड इज कॉट एट द स्क्वायर लेग। स्क्वायर लेग का मतलब इसमें फील्डर है, फील्डर्स की कई बार स्क्वायर लेग टाइप की पोजिशन हो जाती है ना, एंड क्योंकि जब वो भाग के बॉल को कैच करते हैं तो इस पोजिशन को स्क्वायर लेग बोलते हैं। तो जब वो बॉल को हिट करता है और वो हवा में उसको उगा देता है तो आगे क्या है कि फील्डर उसको कैच कर लेता है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग लगता है बैट्समैन के लिए। देन द बैट्समैन रियलाइजेस हाउ ही हैज़ बीन फूल्ड बाय द स्पिनर। तो उसको रियलाइज होता है कि कैसे स्पिनर ने उसको फूल बना दिया। दिस इज़ वाई द स्पीकर डज नॉट विश टू फेस स्पिनर्स। तो इसीलिए वो स्पिनर्स को फेस नहीं करना चाहता। ठीक है, नेक्स्ट एनोटेशन है,
फर्स्ट एनोटेशन है ए पार्ट, द स्लिप्स लाइक सम वल्चर्स हैव क्लस्टर्ड एंड सिली मिड ऑफ फॉरवर्ड नियर। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था जब हमने एक्सप्लेनेशन की थी कि जो स्लिप्स हैं, स्लिप जो फील्डर्स हैं, फील्डर्स बिल्कुल पास में खड़े होते हैं और वल्चर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे गिद्ध की तरह वो उसके पास उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और बहुत ही पास में खड़े होते हैं बैट्समैन के, ताकि जैसे ही बॉल आए तो बैट्समैन के हिट करने से पहले वो उसको कैच कर सकें, या जैसे ही बैट्समैन उसको हिट करे तो वो जल्दी से बॉल को कैच कर ले, ऐसे गिद्ध की तरह एक थोड़ा सा ग्रुप में वो खड़े हो जाते हैं, तो ये उसको बहुत ही स्केयरिंग लगता है बैट्समैन को। द फील्डर स्टैंडिंग एट द स्लिप पोजिशंस लुक लाइक वल्चर्स रेडी टू कैच द बॉल एज सून एज इट कम्स इन देयर डायरेक्शन। तो वो वल्चर्स की तरह पे बिल्कुल रेडी खड़े होते हैं कि जैसे ही बॉल आए वो उसको कैच कर सकें। द फील्डर एट द सिली मिड ऑफ पोजिशन स्टैंड्स रेदर क्लोज टू द बैट्समैन एंड फ्राइटन्स हिम। तो जो फील्डर है वो बैट्समैन के बहुत पास आके उसको डराने की भी कोशिश करता है। इन अदर वर्ड्स द बैट्समैन फियर्स दैट ही मे बी कॉट बाई टू और थ्री फील्डर्स इन द स्लिप पोजिशन, और इफ़ ही ट्राइज टू हिट टूवर्ड्स पॉइंट ही मे कॉट एट द सिली मिड ऑफ स्पॉट। तो वो बैट्समैन को फिर एक फियर होता है कि अब ये जो मैं अगर फोर और सिक्स मारने का ट्राई भी करूँ तो ये कैच करके मुझे कैच आउट कर देंगे। नेचुरली ही हैज़ टू कंट्रोल हिज शॉट लेस्ट ही शुड बी कॉट इन दिस पोजिशन। तो लेकिन उसको ये सब कंट्रोल करना पड़ता है और गेम पे फोकस करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एनोटेशन है द बॉलर्स वॉइस इन माई ईयर्स रिंगिंग विद स्ट्रीडेंट अपील्स ऑफ हाउस दैट। अब ये हाउस दैट क्या है, बॉलर्स जो है ये अपील करते हैं अंपायर को, इसके बारे में आपको एनोटेशन को एक्सप्लेन करना है। द बैट्समैन द स्पीकर इन द पोएम फाइंड्स फास्ट बॉलिंग वेरी थ्रेटनिंग। तो जो बैट्समैन है वही स्पीकर है इस पोएम का, और वो क्या सोचता है कि जो फास्ट बॉलिंग है वो बहुत ही थ्रेटनिंग है, फ्राइटनिंग है। ही सेज दैट समटाइम्स ही इज हिट ऑन द हेड एट अदर टाइम्स ऑन द रिब्स एंड एल्बोज, कि कई बार उसको सिर में बॉल लग जाती है, कई बार रिब्स में, एल्बोज में, उसको हाथ पे, पैर पे, कहीं पे भी चोट लग जाती है बॉल से। द स्विंगिंग बॉल टच हिज बैट एंड देयर इज अ लाउड एंड हार्श क्राई फ्रॉम द बॉलर आस्किंग द एम्पायर हाउज दैट। तो ये जो कई बार वो बैट से मतलब बॉल को हिट कर भी देता है, लेकिन जो बॉलर होते हैं वो कई बार ना नॉट आउट की अपील करते हैं कि जो बैट्समैन है वो आउट हो गया है, तो अंपायर को जब वो अपील करते हैं तो वो हाउस दैट बोलते हैं। दिस इज यूजुअली ट्रिक ऑन द पार्ट ऑफ द बॉलर टू मेक द बैट्समैन नर्वस और द अंपायर टू मेक एन एरर एंड गिव द बैट्समैन आउट। ये जो है ये बॉलर्स की ट्रिक होती है, जिससे वो क्या करते हैं कि एक तो बैट्समैन को नर्वस करने का काम करते हैं हाउस दैट बोल के, और दूसरा वो अंपायर को भी थोड़ा सा ना नर्वस करके एक एरर बनाना चाहते हैं कि वो गलती से ही सही लेकिन बैट्समैन को आउट बोल दें, कि अंपायर कंफ्यूज होके बैट्समैन को आउट बोल दें, इसलिए वो हाउस दैट की अपील करते हैं। ठीक है, देन थर्ड एनोटेशन है आई वुड मच रैदर बैट अगेंस्ट पेस। इसमें क्या है, ये लास्ट लाइन है इसकी पोएम की। देखो सबसे पहले तो स्पीकर डरता है फास्ट बॉलिंग से। एट फर्स्ट द स्पीकर इज अफ्रेड ऑफ फेसिंग फास्ट बॉलिंग बिकॉज फास्ट बॉलर्स टेररराइज द बैट्समैन विद देयर बाउंसर्स, बीमर्स एंड सीमर्स। तो फास्ट बॉलर्स जो हैं वो उसको डराते हैं एंड इनसे उसको काफ़ी डर लगता है, तो वो उनको फेस नहीं करना चाहता। देन द बैट्समैन वॉन्ट्स टू फेस स्पिनर्स, तो वो क्या चाहता है कि स्पिनर्स आ जाए जल्दी से, तो वो फोर और सिक्स फिर हिट कर सकता है। वेन स्पिनर्स बिगिन टू बाउल ही फील्स ईजी बिकॉज देर इज नो फियर ऑफ बींग हिट। तो जब स्पिनर्स आते हैं उसको लगता है कि अब मुझे चोट तो नहीं लगेगी तो मैं इजीली अब रन बना सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, ऑन द कॉन्ट्रेरी द बैट्समैन वुड वेट फॉर अ लूज बॉल एंड लाइक टू हिट इट फॉर अ फोर और सिक्स। तो बैट्समैन वेट कर रहा था कि लूज बॉल आएगी और मैं फोर और सिक्स मारूंगा, बट दैट इज़ अ ट्रिक, ये एक ट्रिक है बॉलर की। सच अ बॉल ऑफन बलून्स अप इन द एयर एंड इज कॉट एट द स्क्वायर लेग। तो इस तरह की जो बॉल होती है वो हवा में ज़्यादा ऊपर उड़ जाती है और फिर जो स्क्वायर लेग पे एक फील्डर होता है वो उसको कैच कर लेता है। दिस मेक्स द स्पीकर प्रेफर पेस टू स्पिन। तो पेस का मतलब ना एक्चुअली स्पीड होता है, वो क्या चाह रहा है कि वो स्पिनर से फास्ट बॉलिंग को फिर वो बाद में प्रेफर करना स्टार्ट कर देता है, कि इससे तो फास्ट बॉलर्स ही ज़्यादा अच्छे थे। क्लियर, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज़ द पोएटिक परसोना। अब देखो इसमें जो स्पीकर है ना वो कौन है आपको ये बताना है। द पोएटिक परसोना और द नरेटर द आई ऑफ द पोएम इज अ क्रिकेटर। इसमें जो आई वर्ड यूज हो रहा है, जो नरेटर है या जो स्पीकर है
वो कौन है? एक क्रिकेटर है. इन द पोएट ही इज अ बैट्समैन. ये बैट्समैन जो है, जो बैटिंग कर रहा है क्रिकेटर, वो इसका स्पीकर भी है, नरेटर है, ठीक है. एंड हु फर्स्ट फियर्स फास्ट बॉलिंग बिकॉज फास्ट बॉलर्स बाउल बाउंसर्स बीमर्स एंड सीमर्स एंड हिट ऑन द बैट्समैन ऑन द हेड रिब एल्बो रिस्ट एक्सेट्रा सो ही प्रेफर स्पिन. तो ये उस बैट्समैन के बारे में बताया जो ये सब सोच रहा है, जो कि फास्ट बॉलर से डर रहा है और स्पिनर्स को प्रेफर कर रहा है. बट वेन द वाइल्स ऑफ अ स्पिनर मेक्स हिम बलून द बॉल लीडिंग इट टू बी कॉट ही वुड रेदर फेस फास्ट बॉलिंग देन विली स्पिनर्स हु डिसीव द बैट्समैन. तो वो बाद में क्या करता है, पहले तो स्पिनर्स को चाह रहा था कि स्पिनर्स आए, लेकिन स्पिनर्स जब अपनी ट्रिक खेल लेते हैं और उसको आउट कर देते हैं तो वो सोचता है कि स्पिनर्स तो ये थोड़ा धोखा दे रहे हैं, इससे फास्ट बॉलर्स ज़्यादा बेटर हैं, ठीक है. तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन. हाउ डज द स्पीकर रिगार्ड द अदर प्लेयर्स इन द फील्ड. स्पीकर दूसरे प्लेयर्स को किस तरह से देखता है जो फील्ड में है. द स्पीकर थिंक्स ऑफ द अदर प्लेयर्स इन द फील्ड एज वल्चर्स हु आर क्राउडिंग अप टू कैच होल्ड ऑफ द बॉल एज सून एज इट कम्स इन देयर डायरेक्शन. तो जो दूसरे प्लेयर्स हैं फील्ड में वो कौन है, फील्डर्स हैं. देखो एक तो बैट्समैन खुद है जो स्पीकर है, एक दूसरा बॉलर है जिससे वो डर रहा है, तीसरे कौन है, फील्डर्स हैं. जितने भी फील्डर्स हैं वो उसको वल्चर्स की तरह, गिद्धों की तरह दिखाई देते हैं, जो कि एक क्राउड बना के, ग्रुप बना के खड़े हैं और अपनी डायरेक्शन में बॉल के आने का वेट कर रहे हैं. ऑन द वन हैंड देर आर द फास्ट बॉलर्स थ्रोइंग बीमर्स बम्पर्स एंड सीमर्स एट हिम. एक तरफ तो फास्ट बॉलर्स हैं, दूसरी तरफ कौन है, ऑन द अदर देर आर फील्डर्स वेटिंग ईगरली टू कैच द बॉल. दूसरी तरफ फील्डर्स हैं जो कि बॉल को कैच करने का वेट कर रहे हैं. नो वॉन्डर द स्पीकर थिंक्स ऑफ हिम एज हिज एनिमीज ऑल ऑफ हुम आर ट्राइंग टू गेट हिम आउट समहाउ. तो देखो इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्पीकर है वो इनको एनिमीज की तरह, दुश्मनों की तरह देख रहा है, लेकिन ये जो है क्या कर रहे हैं, ये उसको आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा वो इसलिए सोच रहा है, ठीक है. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है. हाउ डज द स्पीकर ब्रिंग आउट द डेंजर्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट खेलने के क्या क्या डेंजर्स हैं इनको स्पीकर्स किस तरह से बताता है नरेटर, ये अपने बताना है. देखो द स्पीकर डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ अ बैट्समैन व्हेन ही इज बैटिंग. इसमें स्पीकर ने क्या बताया कि बैट्समैन जो बैटिंग कर रहा है उसकी क्या दशा होती है, प्लाइट, उसका दुख क्या होता है, वो इसमें बताया गया है पोयम में. द फास्ट बॉलर्स ट्राई टू टेरराइज हिम विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेटनिंग बॉल्स. फास्ट बॉलर्स उसको डराने की कोशिश करते हैं. द बाउल बाउंसर्स बीमर्स एंड सीमर्स. ये देखो सारी चीज़ें ना वही रिपीट हो रही हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट पेस में जा रही हूँ. ऑल ऑफ विच कैन हर्ट इज हेड शोल्डर्स रिब्स रिस्ट एंड एल्बोज. तो यहाँ पे चोट लग सकती है कई बार उसके हेड पे, शोल्डर पे, रिब पे, रिस्ट पे और एल्बोज पे. इन सभी के नाम इसमें पोयम में आए थे कि यहाँ पे उसको चोट लगने का डर रहता है क्योंकि यहाँ पे कई बार बॉल लग जाती है. द फील्डर्स स्टेयर एट हिम लाइक वल्चर्स वेटिंग टू कैच होल्ड ऑफ द बॉल एज सून एज इट कम्स टू देम. फील्डर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो वल्चर्स की तरह वेट करते हैं उसकी बॉल को कैच करने का. एंड इफ द बैट्समैन थिंक्स दैट इट इज़ ईजी टू प्ले स्पिनर्स ही इज़ मिसटेकन. और अगर बैट्समैन ये सोचता है कि स्पिनर्स के साथ खेलना ज़्यादा बेटर है तो ये वो गलत सोचता है, बिकॉज दे कैन बाउल अ लूज बॉल डिसीव हिम एंड लेट हिम आउट. तो वो लूज बॉल फेंक के उसको कई बार आउट कर देते हैं. सो बैट्समैन फेसेस डेंजर्स व्हेन ही इज बैटिंग. तो एक बैट्समैन बहुत सारे डेंजर्स के, बहुत सारे खतरों के साथ गुजरता है जब वो बैटिंग करता है. उसको चोट लगने का भी डर होता है, उसको आउट होने का भी डर होता है, तो इस तरह के बहुत सारे डेंजर्स वो फेस करता है. नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन. What impact does the bowler's scream of house that have on the speaker? तो bowlers जब scream करते हैं, scream करने का मतलब होता है चिल्लाना. bowler जब house that चिल्लाता है तो उसका speaker के ऊपर या batsman के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? देखो the bowler's scream of house that is yet another means of terrorizing the batsman and making him nervous. तो ये क्या है, ये एक जरिया है जिससे bowler batsman को डराने का काम करता है और ये कोशिश करता है कि गलती से अंपायर गलत डिसीजन लेके ही सही बैट्समैन को आउट घोषित कर दे. इट इज़ अ क्राई एड्रेस टू द अंपायर दैट द बैट्समैन इज आउट लेग बिफोर विकेट और इफ द बॉल सीम्स टू हैव टच द विकेट ही इज आउट या कॉट. कि ताकि अंपायर को भी ये लगे कि या तो वो कुछ फील्ड से बाहर आ गया था बैटिंग करते हुए या फिर विकेट को टच कर दी थी बॉल उसके बैट पे लगने से पहले, तो वो इस तरह फील करता है कि वो उसको आउट डिक्लेयर कर दे. मोर ऑफन देन नॉट सच स्क्रीम्स ऑफ हाउस दैट परफॉर्म अ डबल फंक्शन. तो ये दो तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है इस तरह की स्क्रीम्स. अंपायर को भी थोड़ा सा एरर मेकिंग में
प्रमोट करती हैं कि अंपायर थोड़ा सा गलत डिसीजन ले ले, और दूसरा बैट्समैन को डराने का काम करती हैं। ऑन वन हैंड दे मेक द बैट्समैन नर्वस एंड ऑन द अदर दे मिसगाइड द अंपायर इनटू बिलीविंग द बैट्समैन इज आउट। फाइन, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज व्हाई इज द स्पीकर्स लॉन्ग विजिल एंडिंग। स्पीकर की जो लॉन्ग विजिल है वो ख़त्म हो रही है, इसका क्या मतलब है और क्यों ख़त्म हो रही थी? देखो, उसकी लॉन्ग विजिल क्या थी कि वो स्पिनर्स के साथ खेलना चाह रहा था, क्योंकि फास्ट बॉलर्स से वो थोड़ा डर रहा था, नर्वस हो रहा था, तो वो चाह रहा था जल्दी से स्पिनर्स आ जाएं। तो स्पिनर्स के आने के बाद उसकी ये जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज वो आउट हो जाता है, तो वो सोचता है कि फास्ट बॉलिंग ज़्यादा बेटर थी। इन अ क्रिकेट अ बैट्समैन is usually very cautious when he is facing fast bowlers. The reason is that a fast bowler can bowl a variety of balls such as bouncers, beamers and seamers, which can hurt the batsman on the head, shoulder, rib, elbow or wrist. But when spinners come for bowling, the batsman is likely to lose part of this cautious vigil because a spinner does not bowl threatening balls. क्योंकि spinner threatening balls नहीं देता, वो loose balls देता है। बट सच स्लैकिंग ऑफ विजिल प्रूव्स डेंजरस फॉर द बैट्समैन। लेकिन ऐसा सोचना एक बैट्समैन के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है, बिकॉज वो लूज बॉल से आउट भी हो जाता है। ही मे ट्राई टू हिट अ 4 or 6 बलून द बॉल एंड गेट कॉट। तो वो 4 or 6 मारने के चक्कर में बॉल को बलून कर देता है, हवा में उड़ा देता है और कैच आउट हो जाता है। ठीक है, तो कैच आउट होने के बाद उसकी ये जो लॉन्ग विजिल है ये ख़त्म हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, Why does the speaker prefer to bat against pace rather than spin? ये भी सेम वही आंसर है कि इसमें भी वही पूछा गया है कि स्पीकर जो है वो पेस को क्यों प्रेफर कर रहा है बाद में। Why does the speaker prefer to bat against pace rather than spin? पहले तो वो चाह रहा था स्पिनर्स के साथ बैटिंग करना, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट वो बाद में क्या चाहने लगा, ही वॉन्टेड टू बैट अगेंस्ट पेस। पेस का मतलब होता है स्पीड, मतलब वो फास्ट बॉलर्स को प्रेफर करने लगा था। क्यों? व्हेन द स्पीकर इज फेसिंग फास्ट बॉलर्स ही इज अफ्रेड ऑफ बाउंसर, बीमर एंड सीमर, बट व्हेन अ स्पिनर बाउल्स टू हिम ही लॉसेस हिज विजिल, ट्राइज टू हिट अ 4 or 6 बलून्स द बॉल इन द प्रोसेस एंड गेट्स कॉट। तो क्योंकि वो आउट हो गया था स्पिनर्स के थ्रू, देन ही रियलाइजेज दैट द सीमिंगली हार्मलेस स्पिन इज रियली मोर डेंजरस। तो बेशक स्पिनर्स के थ्रू उसको चोट नहीं लगती, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज पहली बॉल पर वो आउट हो गया, बिकॉज इट इज़ डिसेप्टिव या डिसीजिव। फास्ट बॉलिंग ऑन द अदर हैंड मेड बी डेंजरस बट इट इज़ नॉट डिसेप्टिव। फास्ट बॉलिंग डेंजरस है क्योंकि वो चोट लग सकती थी उसको, लेकिन डिसेप्टिव नहीं है, उसमें धोखा नहीं होता। दिस इज़ वाई द स्पीकर वुड बैट अगेंस्ट पेस रादर देन स्पिन, और इसीलिए वो स्पिनर्स के बजाय स्पीड को प्रेफर करने लगा फास्ट बॉलर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।